हेलो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से कुछ बातें शेयर करने वाला हूं। ये बहुत ही फेमस बुक है जिसे पढ़कर ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इसे पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। पर आगे बढ़ने से पहले इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ऑथर के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड एक अंधेरे कमरे जैसा है जहां वो इमेज बनती है जो रियल लाइफ में होने वाली है। कॉन्शियस माइंड एक चीज़ को देखता है और उसे अपने दिमाग में बैठा लेता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड उल्टे तरीके से काम करता है और किसी इवेंट को उसके होने से पहले देख लेता है। सबकॉन्शियस माइंड आदतों के सहारे काम करता है, किसी भी अच्छी या बुरी आदत को अपना लेता है और आदत बना लेता। ऑथर मानते हैं हम जिस चीज़ में विश्वास रखते हैं वही हम बन जाते हैं। आप सबकॉन्शियस को जो भी देंगे, सच या झूठ, अच्छा या बुरा, इसे फैक्ट की तरह दिमाग में दर्ज कर लेगा। ध्यान रखिए कि बुरी किस्मत के बारे में मजाक मत करिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझ सकता। आपका माइंड कैसे काम करता है? अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा। आप वही बनते हैं जो सोचते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बहस नहीं करता। अगर आपको लगता है आप कुछ एफर्ट नहीं कर सकते तो उस बात को कहिए मत। एक बेहतर बात सोचिए और कहिए, मैं उसे खरीद सकता हूँ। आपके पास चूज करने की शक्ति है। खुशी और अच्छी सेहत चूज कीजिए। आप फ्रेंडली होना चूज कर सकते और इसी से आप एक अच्छी पर्सनालिटी बना पाएंगे। आपका कॉन्शियस माइंड गेट पे खड़े चौकीदार जैसा है। उसका काम है आपके सबकॉन्शियस माइंड को झूठी बातों से बचाना। सोचिए कि कुछ अच्छा हो सकता है और हो रहा है। दूसरों की बातों में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको हर्ट कर पाए। आपके विचार की पावर सबसे ज़्यादा है। आप दूसरों के निगेटिव थॉट को चूज ना करें। किस तरह रिएक्ट करना है ये भी आप चुनें। जिस बात को आपका कॉन्शियस माइंड मान लेगा उसे सबकॉन्शियस भी मान लेगा। ज़िंदगी की अच्छी बातें और अच्छी किस्मत पर ही यकीन करें। मनचाहे रिजल्ट कैसे पाएं? जब आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है और आप किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सबकॉन्शियस उसे साकार करने में लग जाता है। हमेशा ये सोचें कि हर परेशानी का हल मुमकिन है और उसका समाधान हो सकता है। अगर आप हेल्थी महसूस करेंगे तो हेल्थी रहेंगे। यही बात वेल्थ पर भी अप्लाई होती है। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप वही बनते हैं जो आप खुद को बनाते हैं। सोते समय कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच लड़ाई ख़त्म हो जाती है। सोने से पहले यह सोचें कि आसानी से आप यह काम ख़त्म कर सकते हैं, यह अचीव कर सकते हैं। सुबह खुशी और संतुष्टि से जागेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी के सभी प्रोसेस को कंट्रोल करता है और ये इंश्योर करता है कि आपके सभी सवालों का जवाब उसके पास हो। सोने से पहले किसी भी बात के बारे में सोचें और उसे सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दें। सुबह आप मिरेकल देखेंगे। आपके सबकॉन्शियस दिमाग में जो भी चलता है वो आसपास की स्थिति, अनुभव और इवेंट के रूप में बाहर आता है। इसीलिए सोचिए कि प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सफलता की फीलिंग कितनी बेहतरीन होती है। इस तरह आप जो सोचेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेगा और वैसा ही होगा। सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, पावर है। खुशी तब आएगी जब इस पावर में कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, जब आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होगी और आप अपनी ज़िंदगी की सभी परेशानियों से पार पा सकते हैं और वो अचीव कर सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। खुशी एक आदत है, एक अच्छी आदत। जब आप सुबह अपनी आँखें खोलें तो खुद से कहें कि आप खुशी को चुनते हैं। मैं सही एक्शन चुनता हूँ, मैं आज पीस चुनता हूँ। सारा प्यार और एनर्जी इसी में लगा दें और आप आसानी से खुशी चुन सकते हैं। आपको पूरे मन से खुश होने की कोशिश करनी पड़ेगी। डिजायर के बिना कहीं कुछ भी नहीं पूरा हो सकता है। सोचिए क्या होगा जब आपकी विश पूरी होगी, डिजायर पूरा होगा। उसकी रियलिटी फील करें और फिर वैसा ही होगा। सबकॉन्शियस माइंड से आप डर को दूर कर सकते हैं, पर कैसे? वो काम करें जिसे करने से आप डरते रहे हैं। खुद से कहें कि आप इस डर को हरा सकते हैं और ऐसा ही होगा। आपके दिमाग में डर एक निगेटिव ख्याल है और इसे एक अच्छे ख्याल में बदल दें। डर ने काफ़ी लोगों को मारा है। आत्मविश्वास डर से बड़ा है।
डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, आप इसे प्यार से मिटा सकते हैं। जीवन की सभी अच्छी चीज़ों से आप प्यार करते हैं, अच्छा होने की उम्मीद करें और आपके साथ अच्छा होगा। डर भी लगे, खुद को कुछ अच्छा और पॉजिटिव याद दिलाए, जैसे कि मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं काल्म हूँ, शांत हूँ। आपके अंदर का खजाना, आपके अंदर ही खजाना छुपा है। अपने दिल से जवाब मांगने की कोशिश करें। आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सभी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का इस्तेमाल किया और इसकी एनर्जी को रिलीज किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हील कर सकता है, बेहतर बना सकता है। हर रात सोने से पहले खुद से कहें कि आपकी हेल्थ अच्छी है, और ऐसा ही होगा, क्योंकि आपका दिमाग आपको फॉलो करेगा। ज़िंदगी का नियम विश्वास से आता है। ऐसी चीज़ों में विश्वास ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस बात पर विश्वास करें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हील कर सकता है, खुश कर सकता है, बेहतर इंसान बना सकता है। अपने विचार बदल कर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिज लाइफ। शादी एक ऐसा बंधन है जो प्यार पर टिका है। उसके दिल एक साथ धड़कते हैं और जीवन के सभी उतार चढ़ाव से भी वो एक साथ ही गुजरते हैं। लेकिन शादी सफलता की गारंटी नहीं है। सोचिए कि आपको किस तरह का पति या पत्नी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड दैविक तरीके से आपको साथ लाएगा। आपके लिए दिमाग में ये सोचना ज़रूरी है कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। अगर आपको एक समझदार, अच्छा और प्यार करने वाला इंसान चाहिए, तो आपको खुद भी वैसा ही बनना पड़ेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करें। उसे पता है कि किस तरह काम करना है और उसको उसे असिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को प्यार दें, यह वाइब्रेशन फिर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और एक दूसरों के लिए प्यार और इज्जत बढ़ जाता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट्स करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।